हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो ये है हमारा डे फोर जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो चुकी है और हमने नेल फैक्ट्री में भी नेल्स बनने के लिए दे दिए हैं और जो पॉपुलेशन है वो सिक्स थर्टी टू है और एटी थ्री परसेंट पीपल मतलब खुश हैं यहाँ पर और हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो नाइन्टीन है एंड द लेवल इज थ्री मतलब थर्ड और थोड़े बहुत हमारे पास पैसे हो चुके हैं समथिंग सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओ एट थाउजेंड सम हो चुके हैं और अच्छे खासे हमारे आ, अच्छे खासे सब कुछ चल रहा है तो ये इस रोड कोई नहीं रोड नहीं ये मेयर हाउस है जो कि आई थिंक मेरा घर है वो अबंडेंट है कनेक्शन तो एटलीस्ट हो चुके हैं मेन रोड से बट एक बिल्डिंग यहाँ पे अभी बाकी है जो कनेक्ट नहीं हुई और आप देख सकते हो कि बड़े उबड़ खाबड़ तरीके से मैंने यहाँ का डिजाइन बनाया जो कि मुझे बाद में ठीक करना पड़ेगा और लिटरली यहाँ पे रोड इतने सारे दे दिए हैं और ये एक सिर्फ एक इन्होंने एक पोर्शन दिया है कि तुम इसको ज़्यादा एक्सपेंस मतलब एक्सपेंड नहीं कर सकते और वो तुम्हें एक्सपेंड करना होगा जब तुम लेवल कंप्लीट कर लोगे या जब तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे खैर फ़िलहाल तो अभी हमें मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने इन्होंने हमें एरिया दिया है वहाँ पर हमें सारे रेजिडेंटल एरिया जोन वगैरह हमें कंप्लीट करने होंगे फिर उन्हें बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल तक तो लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारी फैक्ट्री आप देख सकते हैं फैक्ट्री हमने लगाई थी एक जगह हमने सारी फैक्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया था जहाँ पे हम स्क्रैप और जो वुडन लॉग है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डालते हैं ये तो बड़ी जल्दी से बन जाते हैं बट मेन होता है नेल्स और तो नेल्स बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो और उस ऐसा भी नहीं कि एक फैक्ट्री में मतलब तुम आ, दो फैक्ट्री यूज करो या तीन क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर इन्होंने सिस्टम दिया है कि सिर्फ एक ही फैक्ट्री है नेल्स की तो एक ही में करना पड़ेगा और ये है हमारे रसल टावर वगैरह पावर प्लांट और ये जो यहाँ पे येलो हेड देख सकते हो ये अभी भी कह रहे हैं कि हमारे घर को अपग्रेड करो हमारे घर को और बड़ा बनाओ जिससे और ज़्यादा पो, जो पॉपुलेशन है वो आएगी पॉपुलेशन तो ओ पॉपुलेशन हमारी वन थाउजेंड समथिंग हो चुकी है ना आई लाइक इट लाइक पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी खैर धीरे धीरे से सब कुछ हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी और आप देख सकते हो जी आ, मैंने मेयर हाउस को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है कि जो कि मुझे थोड़ा ठीक लगा और उधर हमने कनेक्ट तो किया रोड रोड को हम बाद में ठीक करेंगे जितनी भी हाई जितनी भी हाई लाइट हेड लाइट ट्राफिक वगैरह है उनको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा हमें और आ, ठीक है इन्होंने एक ऑप्शन तो दिया है कि तुम इस तरीके से अपना घर बना सकते हो या इस तरीके से तुम रोड वगैरह जोड़ सकते हो बट मुझे अभी वो फ़िलहाल रोड बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है मुझे मैंने यहाँ पे घर वगैरह बना दिया है एंड आई होप सो कि अब ना हो और ये जिग रोड पता नहीं भाई किस तरीके से मैंने बनाया ये ज़्यादा बड़ा है नहीं जैसे स्काई गेम होता है स्काई सिटीज तो कोई नहीं उस जैसा सिमिलर गेम है ये थोड़ा बहुत अच्छा सा है एंड विलियम रजिस्ट 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 रजिस्डेंस रजिस् रजिस्ट रेजिडेंट रेजिडेंट रेजिडेंट्स ओके हमारी स्टोरेज स्पेस हो चुकी है एटीन एंड हमें थर्टी पे आते हुए आई थिंक ज़्यादा बड़ी स्पेस होगी ज़्यादा बड़ा हमें सामान जगह लेनी पड़ेगी इंक्रीज करनी अपनी जो कैपेसिटी वगैरह वो इंक्रीज करनी पड़ेगी और हाँ मेरे सिम डा जी टू तो चेंज आ लाइट बल्ब सिम्स क्या होता है मुझे अभी तक सिम्स का पता नहीं और ये गेम का नाम सिम सिटी है और फैक्ट्री वैक्ट्री यहाँ पे सब चल रही है पोल्यूशन ए कितनी है वन टू थ्री फोर और गवर्नमेंट जो हम यहाँ या, यहाँ पे पार्क वगैरह लगाएंगे जिससे ट्वेंटी थ्री प्लस में जाएगा और पार्क की कॉस्ट है फोर थाउजेंड डॉलर जो कि मैं आई थिंक मैंने यूज़ किया है क्योंकि एट थाउजेंड समथिंग मेरे इतने पैसे बने थे क्या शायद मैंने पार्क वगैरह पहले ही खरीदा होगा अभी नहीं ख़रीदा अभी मैं ख़ुद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया क्या क्या नहीं और जल्दी से हमारे यहाँ पे नेल्स वगैरह बन जाएंगे और बारिश हो चुकी है यहाँ पे बारिश भी होती है और और ज़्यादा मैंने यहाँ पे कोई थंडोस्ट्रोम वगैरह कोई एसिड कोई आपदा वगैरह नहीं देखी नेचुरल डिजास्टर वगैरह सो हम और इसमें क्या कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते जहाँ अपनी इस सामान वगैरह अपने पास रखो और इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं जब तक नेल्स वगैरह बनेंगे ना नेल्स में इतना ज़्यादा टाइम लगता है बट हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अगर तुम सामान वगैरह रिप्लेस कर दो जैसे मतलब कि तुमने नेल्स वगैरह डाल दिए बनने के लिए है और भी बहुत बड़ी फैक्ट्री आएंगी तो जो सामान हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है अगर हम ऑफलाइन चल जाए मतलब अपना ये गेम है उसको बंद कर देंगे उसके बाद जब वापिस यहाँ पे आएंगे तो वो हर एक चीज़ यहाँ पे बनी मिलेगी तुम्हें रेडी मिली रेडी मिलेगी एंड देन यू कैन यूज़ जो अच्छी बात है ना कि मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि जब तक तुम गेम में हो तब तक वो चीज़ें बनेंगी उसके बाद बंद हो जाएगी सो so, ये चीज़ सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे कि अपना ऑफलाइन जाओ अप, उसके बाद वापिस आओ और अपना घर वार अपना मतलब जो भी सामान और थोड़ा बहुत यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है हमने हमारे पास नाइन थाउजेंड इट्स अ नाइस डे टू बी एट द पार्क ए फैक्ट्री नियर माई होम वाई आ, तो कौन सी फैक्ट्री लगा दी भाई हमने आपके घर के पास मुझे तो यही नहीं पता चल रहा भाई कोई तो खुश है कि पार्क है अब ये फैक्ट्री पता नहीं मैंने फैक्ट्री तो बिल्कुल सब कुछ साइड में किया है और ये रेजिडेंटल ओ, ओ, ओ ओके एक और नया रेजिडेंटल जोन हमारे पास आया है अब इसको कहीं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा अ, ओके okay, यहाँ पे क्रेन व्रेन लग के जेसीबी वगैरह लग के यहाँ पे बनाने लग रही है रेजिडेंटल एक इधर लगाएंगे मेन रोड से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा दो बिल्डिंग मेरे पास तीन बिल्डिंग मेरे पास ऐसी हैं जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है दो ऐसे तीन चार घर ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं है इसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कांट क्रेटा रोड ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग तो बिल्डिंग के ऊपर कौन घर बना रहा है मैंने थोड़ा ना बनाया ओके okay. यहाँ पे हमारा एक और घर नया कस्टमाइज हो चुका है एंड फाइनली थोड़ा बहुत और समय लगते हुए हम लेवल फोर्थ पे आ चुके आ जाएंगे और पॉपुलेशन हो चुके मैं पॉपुलेशन जहाँ पॉल्यूशन बोलने वाली थी हाँ वैसे पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी फैक्ट्री लगाने पड़ेगी तो पार्क बनाने पड़ेंगे पार्क की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती बट कोई नहीं और वैसे भी अभी मेरे पास बहुत सारे पैसे मुझे अच्छे तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि हर एक लाल पे हर एक चीज़ नई नई यहाँ पे ओपन हो रही है आई थिंक आई डोंट नो उसके बाद क्या ओपन होगा अभी तक हमारा वोटर uh, पावर और uh, एक मेयर uh, हाउस जो सर्विसेज़ थी और इसके अलावा और क्या ऑप्शन आए थे तीन चीज़ें यहाँ पे ओपन पार्क वोटर पार्क मेयर हाउस और लाइट वोटर पार्क यहाँ पे हम बेच भी सकते हैं अपने क्लाइंट वगैरह को कि उनको क्या चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं और यहाँ पे हमारा क्लेम करने का ऑप्शन आ चुका है तो अभी क्लेम करते देखते हैं वो हमें सिक्स हंड्रेड डॉलर मिले हैं जो कि अच्छी बात है और यहाँ पे जैसे टिक का निशान आता ना तो इसका मतलब तुम उस बिल्डिंग को अपग्रेड कर सकते हो और आई थिंक हम लेवल कम्प्लीट हो चुका है बट मुझे लेवल कम्प्लीट होने का कुछ रिवॉर्ड वगैरह तो दिया नहीं चार चीज़ें यहाँ पे ओपन है एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश नहीं है बिल्कुल भी खुश नहीं है कि पता नहीं क्या और ये है हमारा सिटी स्टोरेज जो कि मैंने बहुत दूर कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि आ, ये घर आ, ये क्योंकि एक फैक्ट्री है फैक्ट्री नियर स्टोरेज स्पेस है जो कि ज़्यादा स्पेस लेगा और आई थिंक जो यहाँ के इंसान है वो खुश नहीं होंगे और मुझे टैक्स वगैरह पे वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो धंधा हमारा बंद हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल uh, फैक्ट्री में अपना सारा जितना भी प्रोडक्शन वगैरह है अपना सब कुछ यहाँ पे डालते हुए और मुझे मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी रेजिडेंटल एरिया हैं जोन है पर उनको रखूँगी किस तरीके से ऑल uh, राइट right, एक और नई बिल्डिंग हमारे यहाँ पे बन चुकी है अभी उसको देखते हैं वो कब तक तैयार होगी ग्रोइंग सिटी ओके यर्नल ठीक है ग्रोथ पैकेज नाउ अवेलेबल सो बड़ा नो वन वन टू सिटी स्टोरेज इन द बैक यार मुझे पता था कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मुझे इस सिटी स्टोरेज को सिटी स्टोरेज जो भी स्पेस वगैरह इसको हमें एक जगह रखना पड़ेगा अब ये कनेक्ट नहीं है अब इसको कनेक्ट करो भाई भाई हद दया कि क्या क्या कि मतलब मैं सोचती हूँ कि रेजिडेंटल एरिया एक जगह करूं फैक्ट्री वगैरह एक जगह करूं बट ऐसा कभी हो नहीं सकता सो so फाइनली हमने रोड तो कनेक्ट कर दिए चलो कोई नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय अपना ध्यान रखना